सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। पुराना कैनरा बैंक मैनेजर पर मोहसिन खान पुत्र अब्दुल हमीद ने काफी पैसे खर्च कराने के बावजूद भी लोन नहीं देने का लगाया आरोप। सीएम विंडो के मार्फत मुख्यमंत्री से की शिकायत। मोहसिन खान ने बताया कि बैंक मैनेजर ने मुझसे काफी पैसा कागजात में खर्च करा दिया, फिर भी लोन नहीं दिया। उन्होंने बताया कि मैंने पहले 7 लाख का टीएम मेडिकल के नाम से बिजनेस लोन ले रखा था। मैनेजर ने धोखे से उसको भरवाया कि आपको डबल लोन दिया जाएगा। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी बिजनेस के लिए, इसलिए मैनेजर के झांसे में आकर मैंने कर्ज लेकर लोन को भर दिया। भरने के बाद मैनेजर ने लोन देने से साफ मना कर दिया। मोहसिन खान ने प्रशासन और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा था इसे एक बार भर के बंद कर दो, मैं आपकी डबल कर दूंगा इसे। मैंने उसे बंद कर दिया मैनेजर के कहे अनुसार ब्याज पे लेके, जबकि 1 लाख से ऊपर तो ब्याज ही ब्याज हो गया है। 45,000 इसने मेरे कागजों में खर्च करा दिए, फालतू के कागजों में। मुझे बिजनेस लोन चाहिए और ये मुझे होम लोन कर रहा है। मुझे तो बिजनेस लोन चाहिए, और जबकि मेरे पास इसकी सारी रिकॉर्डिंग है। मैं इसे कोर्ट में भी घसीटूंगा, कंज्यूमर कोर्ट में भी घसीटूंगा। और एक और मामला भी है पुराने का, जिसमें इसने फर्जी साइन कर रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैनरा बैंक मैनेजर का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि उनके कई मामले सामने आ चुके हैं। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।